हेलो डियर फ्रेंड्स, हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम फैक्टर अफेक्टिंग और प्लांट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलो हम पढ़ते हैं इसको। आगे चलने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाएं दोस्तों, और घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक पर, फैक्टर अफेक्टिंग और प्लांट ग्रोथ। तो दोस्तों, जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर मतलब कारक क्या होते हैं, प्रभावित करने वाला, पादप की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। देखो दोस्तों, ये हिंदी में है तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो सेल को इफेक्ट करते हैं, जो सेल को प्रभावित करते हैं, सेल के जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, देखो दोस्तों, हम सेल पढ़ चुके हैं, सेल हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म को प्रभावित करते हैं, वो सारे किसको प्रभावित करेंगे, उसकी ग्रोथ को प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, एक बाह्य कारक और एक अंदर के कारक, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो दोस्तों, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आते हैं, इन कारण में एनवायरमेंट आ जाएगा पूरा, बाहरी कारण में एक्सटर्नल फैक्टर में एनवायरमेंट, और इंटरनल फैक्टर में दो हो सकते हैं इंटरनल में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नीचे। पादप वृद्धि प्राप्त करने वाले कारण दो भागों में बांटा जा सकता है, किसके समय, वृद्धि प्राप्त करने वाले बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स क्या होता है, जो बाहरी कारक होते हैं, जो हमारे आसपास, जैसे कि एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में लाइट है, तापमान है, गैसेस हैं, ये सारे क्या होते हैं, बाहरी कारक हैं। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, सर्वप्रथम किसके बारे में, लाइट। तो पादप वृद्धि प्रकाश के पादप वृद्धि पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन तीन शीर्षों में किया जा सकता है, तीन शीर्षों में। अब लाइट भी ज्यादा, लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी, लाइट ड्यूरेशन। दोस्तों देखो, अब ये थोड़ा डीप है, लाइट इंटेंसिटी ये कितनी ज्यादा है, कितनी मीन्स बहुत है। लाइट क्वालिटी, क्वालिटी में किस तरह का प्रकाश है, वाइट है कि सभी है, क्रोम है, किसमें, जिसे कई तरह कलर होते हैं ना, सात कलर से बना होता है, तो इसमें क्वालिटी क्या है प्रकाश की, अल्ट्रावर्जेस ज्यादा है कम है, ड्यूरेशन कितने समय तक। साधारणतः अंधकार में वृद्धि अधिक होती है, आपको तो डार्क में जब प्लांट उगता है तो वो ग्रोथ जल्दी करता है, लंबा लंबा बढ़ जाएगा, इसका तना बहुत पतला होगा, पत्तियां भी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होंगी, पतली पतली पत्तियां होंगी, वो लंबा लंबा बढ़ जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे वृद्धि करते हैं, वो उनका जो सब पतला तना वगैरह तो होता ही है, और वो जो होते हैं ना, बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे पौधों क्या बोलते हैं, इटियोलेटेड प्लांट्स बोलते हैं, जो डार्क पीरियड में ग्रोथ करते हैं, क्या बोलते हैं, इटियोलेटेड प्लांट बोलते हैं। तो दोस्तों, जो इटियोलेटेड प्लांट्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छा यील्ड नहीं देते हैं, और कुछ समय बाद वो पीला, वो पीले पड़ने लगते हैं। लाइट इंटेंसिटी ये होते हैं कि दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता कम होने पर इंटरनोड छोटे, जैसे कि अगर लाइट बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है तो प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, और खुले में है तो, और लीव्स भी एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत जरूरी है, किसके लिए, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा लाइट है, जैसे अभी गर्मियों में देखिए आप, बहुत बहुत लाइट होती है, तो इसमें क्या, प्लांट जो प्लांट्स के होते हैं ना, इसकी ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इससे जल की हानि दर भी बढ़ जाती है, इसमें क्या होता है, ये जल की हानि भी होती है। उसके फलस्वरूप क्या, वृद्धि की दर पर इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। वो जगह देखो दोस्तों, जितना ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी की कमी आएगी,
पानी की तो वृद्धि कम भी हो सकती है, घट भी सकती है। घटेगी तो आपने देखो पत्तियां पूरी तरह मुरझा जाती हैं। तो ये है प्रकाश की तीव्रता होने पर प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है। देखो पहले जब प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब प्रकाश बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो फोटोसिंथेसिस दर को कम कर देता है, जिससे वृद्धि घट जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ लाइट। एक संपूर्ण पौधे की पूर्ण वृद्धि प्रकाश के अन्य रंगों की अपेक्षा दृश्यमान प्रकाश के पूर्ण बर्न फुल स्पेक्ट्रम में बेहतर पाई जाती है। इसका कहने का मीनिंग ये है कि अगर एवरेज लाइट इंटेंसिटी हो और उसमें ना फुल स्पेक्ट्रम जो क्रोम होता है इसमें सभी जो लाइट्स जो कलर्स होते हैं उसमें उसकी वृद्धि बहुत अच्छी होती है। अगर भाई हम लोग किसी सिंगल लाइट में ग्रोथ करवाएं तो पौधों में कई अलग अलग परिवर्तन देखने आते हैं। देख जैसे कि वर्णक्रम का लाल रंग वृद्धि के सबसे अधिक उपयुक्त होता है। दोस्तों चेक ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि वर्ण का मतलब क्रोम का जो रेड कलर है वो ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल होता है, बहुत अच्छा होता है। ग्रोथ फेवर कलर बोलते हैं इसको, ये ग्रोथ के लिए है। याद रखिए कौन सा कलर, रेड कलर। रेड कलर ग्रोथ के लिए बहुत उपयुक्त होता है रेड कलर। और पौधों में पर्व की लंबाई नीले तथा बैंगनी रंग में सबसे अधिक बढ़ती है। आई थिंक पर्व दोस्तों नोड एंटर नोड को बोलते हैं। तो पौधों में पर्व की जो नोड एंटर नोड जो होते हैं एंटर नोड की लंबाई जो होती है ना जो तो वो बैंगनी नीले तथा बैंगनी कलर में सबसे अधिक बढ़ती है। तो पौधों की लंबाई अच्छी आती है जबकि दुश्मन प्रकाश के पूर्ण क्रम में इनकी लंबाई बहुत कम बढ़ती है। पत्तियों में पहला दुश्मन क्रम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मीन्स अगर जो दुश्मन कलर फुल स्पेक्ट्रम होता है उसमें पत्तियों का फैलाव सबसे अच्छा होता है, ग्रोथ बढ़िया होती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट दोस्तों आपको पता है कि फोटोपीरियोडिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं शॉर्ट डे लॉन्ग डे। तो ये फोटोपीरियोडिज्म जो होता है वो आपको पता है शॉर्ट डे को अपन को कम लाइट चाहिए, लॉन्ग डे को ज्यादा लाइट चाहिए, लॉन्ग डे को कम रात्रि चाहिए, शॉर्ट डे को बड़ी रात्रि चाहिए। तो ये भी उसकी पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। तो दोस्तों पौधों में वृद्धि 0 से 50 तापमान के साथ संभव है। आपको पता होगा कि कुछ पौधे होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है। कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को उनको सहने की क्षमता होती है। दे कैन टॉलरेंट अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। किंतु वृद्धि के लिए अनुकूल जो तापमान होता है 20 से 30 होता है, जो सबसे जो बेस्ट माना गया है रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो इसमें जो दिया 20 से 30 में मोस्ट ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं। क्योंकि तो बहुत से पौधे में जो फ्लावरिंग के लिए निम्न तापमान अति आवश्यक होता है, जो टेम्परेट प्लांट्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था टेम्परेट प्लांट्स में जब अपन ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, तो टेम्परेट मैंने तो आपको चिलिंग इंजरी वगैरह पढ़ाए थे, बड डोरमेंसी कैसे ब्रेक होते हैं वो सब पढ़ाया था। तो वो उनके लिए सॉरी चिलिंग इंजरी नहीं, चिलिंग रिक्वायरमेंट, तो वो उसके लिए अति आवश्यक होता है फ्लावरिंग के लिए। तो वो तापमान कम उनको चाहिए होता है। तो आप उसको लिख सकते हैं इसमें, और इसको बहुत सारा आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको गैसेस बोल रहा था इनमें ऑक्सीजन। तो दोस्तों देखो जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो इम्पोर्टेंट है ही। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है नेट वगैरह में भी कि जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, या फिर किस तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है, या फिर किस एलिमेंट जैसे। तो ऑक्सीजन पौधों में उपापचय क्रिया पर से जो मेटाबॉलिक की जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। इस प्रकार पौधों में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा की तरह वृद्धि दर का नियंत्रण या संचालन होता है। अब देखो
अगर फ्लड आ जाती है तो पौधे डूब जाते हैं और उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि उसमें तरल अल्कोहल और सीओ टू बनने लगता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि पौधे मर जाते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो वृद्धि घट गई। प्रॉपर एरेशन होता है तो वृद्धि बहुत अच्छी होती है। इसीलिए जो हाइड्रोपोनिक्स होता है दोस्तों, आपने देखा होगा हाइड्रोपोनिक्स में रूट्स का बहुत बड़ा बंच बन जाता है। मैं इस पर बहुत काम किया हूँ दोस्तों, मैं इस पर लगभग 1.5 से 2 साल इस पर मैं काम किया उस प्रोजेक्ट पे। तो जो हाइड्रोपोनिक्स में मैं देखता था कि जो बकेट सिस्टम में पूरे बकेट में रूट फैल जाती थी, तो आप देखिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है उस में। नेक्स्ट जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एवं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए CO2 आवश्यक होता है। क्या है दोस्तों, पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको उसके लिए CO2 जो होता है एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है। CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो पौधों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए जरूरी होता है CO2 आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सांद्रता होने पर रंध्र स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ये भी आपको पता है। अगर जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन आप ज्यादा कर दोगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो इससे ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा और भी कई सारी इससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इससे डोरमेंसी भी जाती है, इससे वृद्धि घट जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है पांचवा, सोयल वाटर, मिट्टी में पाया जाने वाला पानी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो मिट्टी का जो कैपिलरी वाटर होता है ओनली वही पौधों में के लिए उपयोग होता है। तो मृदा जल की उपलब्धता कम होने पर वृद्धि दर घट जाती है क्योंकि जल की कमी होने पर प्रोटोप्लाज्म की सक्रियता समाप्त हो जाती है। ना आपको मालूम होगा कि सेल सेल जो होती है उसमें जो सेल द्रव या जीव द्रव जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो उसमें मेनली पानी होता है, तो उस सबके लिए क्या है वाटर बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों जो पानी में मिट्टी में जो पानी पाया जाता है उसमें से जो अलग अलग तरह के पानी जो होते हैं, तो वो उसमें जो कैपिलरी जो वाटर होता है उसी को ही पौधे एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो ये जो वाटर होगा नहीं होगा तो जो एंजाइम को कार्य करने के लिए भी कोशिकाओं में जलीकरण की आवश्यकता होती है, तो जो एंजाइम्स होते हैं तो ये क्या है ना इनका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा इनका, ये मर जाएंगे पानी से, तो इनको भी कार्य करने के लिए पानी चाहिए। तो सारी जो वाइटल रिएक्शंस होती हैं जैविक क्रियाएं कैसी, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन सिंथेसिस जो जितना भी होता है सेल के अंदर जिस सब वाइटल एक्टिविटीज में आती है, तो इनको क्या चाहिए पानी चाहिए तभी प्रॉपर वृद्धि हो पाएगी, पानी कम वृद्धि रुक जाएगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वो है सोयल मिनरल। अब देखो पानी चाहिए तो साथ में खाना भी चाहिए, तो जो जो भी जैसे NPK है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सभी पानी के थ्रू ऑब्जर्व होते हैं। किसके थ्रू, पानी के थ्रू ऑब्जर्व होते हैं। तो अगर इनका ये पानी घट जाएगा तो इनका भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, इनकी कमी हो जाएगी तो भी नहीं होगा, अगर मान लो पानी पर्याप्त नहीं कमी है तो भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, तो मृदा भी जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा कारक है इंटरनल फैक्टर में, इंटरनल फैक्टर में ग्रोथ रेगुलेटर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो सभी का इम्पोर्टेंस तो बराबर ही होता है पर ये थोड़े से ज्यादा रोल करते हैं। तो देखो दोस्तों जो वृद्धि नियंत्रक जो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीजन है साइटोकाइन है सभी आपको मैंने पढ़ा दी है, तो आपको मालूम है अगर ऑक्सीजन का ग्रोथ अगर नहीं होगा सॉरी सीक्रेंस नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो इनका अपनी अपनी जगह एक रोल है जो अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए एपिकल डोमिनेंस चाहिए, साइटोकाइन सेल डिवीजन के लिए चाहिए, और जो जिब्रेलिन है सेल डोमिनेशन के लिए चाहिए, एफिस के डोरमेंसी मेंटेन के लिए चाहिए, इथिलीन है रैपनिंग के लिए चाहिए। ये कहीं ना कहीं वृद्धि घटना बढ़ाना इसको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करते हैं। तो वृद्धि नियंत्रक महत्वपूर्ण अंतर कारण जो कि पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं कौन, हार्मोन्स। वर्तमान में विभिन्न ज्ञात वृद्धि नियंत्रण है जिसमें ऑक्सीजन साइटोकाइन वृद्धि वर्धक, और इसमें देखो दोस्तों वृद्धि ग्रोथ रेगुलेटर्स में ग्रोथ रिटार्डेंट भी आ जाते हैं, ये रेगुलेट करते हैं
ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा है, कम ज्यादा जैसा भी उनका। तो ये सारे जो हैं आपको मालूम है कि ये सब सही है। इसमें जो एथिलीन का ट्रिपल रेस्पॉन्स मैंने आपको पढ़ाया, फॉर्मेशन है और जो हुक नोट थिकनिंग है, ब्रेकिंग, और वो उसका सर क्लियर है, तो ये तीन रिस्पॉन्स उसके भी बहुत ज्यादा वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप वो पढ़ लेना जो उसका ट्रिपल रिस्पॉन्स है, किसका, एथिलीन का, वो बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों जो एथिलीन का जो ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे आपको पहले पढ़ाया था, आप इसमें पढ़ लीजिए, ट्रिपल रिस्पॉन्स एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है, मतलब एथिलीन के एक साथ तीन फंक्शन, एथिलीन का एक साथ तीन फंक्शन को करना है इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स कराता है। जो फंक्शन क्या है, इनिबिशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन। देखो जब सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन जब होता है तो वो क्या करता है कि जब वो जो सूट है, जो स्टेम बहुत जल्दी बढ़ता है, उसको उसकी वृद्धि को एक कम करता है, उसकी वृद्धि कम करता है और उसका जो है ना थिकनिंग बढ़ाता है। स्टिमुलेशन ऑफ रेडियल स्वेलिंग ऑफ द स्टेम, रेडियल स्वेलिंग मतलब जो हुक फॉर्मेशन होता है, देखो आपको हुक की तरह ऊपर से निकलता है, हुक फॉर्मेशन जो होता है ऐसे जो बन जाता है, ऐसे देखो ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है ना, तो वो क्या है, हुक फॉर्मेशन होता है। तो जो हुक फॉर्मेशन समय क्या होता है, उसकी मोटाई करता है, उसकी स्वेलिंग मीन्स उसकी मोटाई बढ़ाता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ स्टेम विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, और जो हुक फॉर्मेशन करता है, हुक फॉर्मेशन करेगा पहले पहले इसको घटाएगा स्टेम की, इसको मोटा करेगा और फिर हुक फॉर्मेशन करेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पहले क्या करेगा कि उसकी लंबाई को घटाएगा जर्मिनेशन के समय, स्टेम की शूट की लंबाई को, फिर उसकी मोटाई बढ़ाएगा, फिर उसका हुक फॉर्मेशन करेगा। हुक की तरह आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये सीडलिंग ऐसे हुक बन जाता है। तो ये क्या है, ये तीनों कार्य एक साथ करता है। इसी को क्या है, दीज सिम्टम्स बार लेटर टर्म एज ट्रिपल रिस्पॉन्स एंड वर नॉट ऑब्जर्व इन इटिलेटेड पी। तो दोस्तों ये सिथिलिन के इम्पोर्टेंट है। अब जर्मिनेशन समय होता है, आपको आराम से इसको अच्छे से लिखना चाहिए। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स था, तो आप दोस्तों याद रख सकते हैं। दूसरा हमारा जो इंटरनल कारक फैक्टर है उसमें सी एन रेशो, क्या है सी एन रेशो। तो सी एन रेशो क्या होते हैं, पादप वृद्धि का प्रारूप कार्बोहाइड्रेट एवं नाइट्रोजन यौगिक के अनुपात से संचालन होता है। तो पादप की जो वृद्धि होती है दोस्तों, जो प्लांट्स का जो ग्रोथ होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के रेशो पर। तो अगर मान लो कि नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो आपको मालूम वेजिटेबल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और अगर नाइट्रोजन कम रह गया तो प्लांट छोटे बोलते हैं बोने रह जाते हैं, मतलब ड्वार्फ प्लांट रहते हैं, स्टंट ग्रोथ होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने पर, जैसे कि देखो उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने पर वनस्पति वृद्धि, पुष्पन, फलन अच्छा होता है, ये सब वृद्धि वृद्धि एवरेज होगी, बहुत अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी, मीन्स अच्छा फ्लावरिंग होगी, अच्छा फ्रूट सेट होगी, अच्छा फल होगा। जबकि नाइट्रोजन के यौगिक की मात्रा अधिक होने पर जीव द्रव्य की मात्रा में उत्पन्न अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। तो अगर नाइट्रोजन अपन ज्यादा रहता है तो बोलते हो आपको कि फ्लावरिंग घट जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे क्या पौधों की लंबाई जड़ों की तुलना में अधिक बढ़ जाती है, पत्तियां बड़ी नरम सॉफ्ट ऐसी शक्लें, आपको वही ये सब मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, प्रोमिक वेजिटेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट वन जो फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर। पौधों की सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं एवं वृद्धि अनुवांशिक से नियंत्रण होती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे क्या फैक्टर, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो मेरे दोस्तों जो जितने भी जो फैक्टर्स हमने आपको पढ़ाए हैं उनको हम आपको एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करवा देते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से थे, देखो जो जो प्रोटोप्लाज्म सेल को प्राप्त करते हैं वो सभी ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। इससे सबसे एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट, प्रकाश, अब आपको प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की लाइट इंटेंसिटी पढ़ाई थी, लाइट इंटेंसिटी नोड इंटर नोड पर प्राप्त कर रहे हैं, प्रकाश की गुणवत्ता क्वालिटी पढ़ाई थी,
क्रोम वाला लाइट है तो क्या पड़ेगा, कौन लाल है तो अच्छी ग्रोथ करेगा, ये पढ़ाया था। प्रकाश का अवधि ड्यूरेशन आपको पढ़ाया था, फोटो पीरियडिज्म, लॉन्ग डे शॉर्ट डे के लिए कितना चाहिए। टेम्परेचर आपको पता है, एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सबसे अच्छा होता है। ऑक्सीजन आपको पता है, जर्मिनेशन के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए जड़ों में ऑक्सीजन अच्छा होना चाहिए। मैंने हाइड्रोपोनिक्स का एग्जाम्पल दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक होती है, मैंने आपको इसके बताया था, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सोयल वाटर आपको बताया कि अगर बारिश नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन के लिए पानी कहाँ से आएगा, प्रोटोप्लाज्म के लिए पानी कहाँ से आएगा, एंजाइम से एक्टिविटी के लिए पानी कहाँ से आएगा, ये सब मर जाएंगे। सोयल मिनरल के बारे में बताया, अगर पानी चाहिए तो खाना भी चाहिए, तो ये खाने की बात थी। अब इंटरनल फैक्टर में क्या, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल फैक्टर में ग्रोथ रेगुलेटर, सारे हार्मोन्स, तो सारे हार्मोन्स का एक अपना अपना रोल है। इसमें मैंने आपको इथिलीन का ट्रिपल रोडोडेंड्रॉन पढ़ाया था कि जर्मिनेशन के समय पर इथिलीन क्या करती है, पौधे की लंबाई घटाती है, सॉरी तने की लंबाई घटाती है, उसकी मोटाई बढ़ाती है, स्वेलिंग करती है, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है, मीन स्वेलिंग करती है और फॉर्मेशन करती है। तो ये सब भी जो है ना, मिट्टी को जो फॉर्मेशन होता है, मिट्टी को तोड़ने में बहुत है सहायक होता है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया। अब दोस्तों CN रेशो, ये सभी आपको मैंने पढ़ा दिया है कि भाई कार्बन नाइट्रोजन का रेशो क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा से पौधों की लंबाई ज्यादा बढ़ती है, जड़ें कम हो जाती है, जड़ों की लंबाई कम हो जाती है, सिंगल रेशो होता है। जेनेटिक फैक्टर आपको सही है, अगर प्लांट के जेनेटिक के जो जीन है अगर डॉर्फ वाला है तो प्लांट डॉर्फ ही रहेगा, तो वो भी एक, अगर हमको मान लो ज्यादा ग्रोथ वाली फसल चाहिए और हमने क्या किया कि जेनेटिक फैक्टर वाला कैसा ले लिया है, ड्रॉप ले लिया, तो हमको वो नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे दोस्तों। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों देखते रहिए, नॉलेज इज पावर, नॉलेज नॉलेज इज द पावर दोस्तों। आपको मालूम है जिसके पास नॉलेज है उसको इंटरव्यू में कोई बाहर नहीं कर पाता है, तो नॉलेज करिए। तो आप पढ़ते रहिए, बुक पढ़ने की आदत डालिए, और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिए, और इस चैनल को शेयर करिए कि दोस्तों ये हमारे एग्रीकल्चर में हमारे चैनल का पहचान हुआ है। आप राज एग्रीकल्चर एजुकेशन को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए दोस्तों, इससे कि हमारा जो आपका प्यार है, हमें आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज हमें लोगों का बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो हम उनके कमेंट पर ही वीडियो बना रहे हैं। लोगों ने टेस्ट सीरीज की शुरुआत बोला तो टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। दोस्तों देखो एक बात आपको हम बताते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये सारे वीडियोस देखें। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सारे वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि डिटेल में से क्वेश्चन आते हैं तो उनका आंसर कैसे देते हैं। दूसरा, इस यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, सभी जगह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी सब सारे वीडियोस देखिए, हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। चल तब तक कि जो जय हिंद जय भारत, घर में रहें, स्वच्छ रहें, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें और इस COVID-19 जो महामारी है इससे बचें। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत अगेन।